किसान भाइयों नमस्कार। जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड से मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं गन्ना विषय पे आपके साथ फेसबुक पे, जैन इरिगेशन के फेसबुक पे आपके साथ लाइव शुगर केन की एडवांस प्रैक्टिस, गन्ना उगान की एडवांस प्रैक्टिस, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन के साथ में। किसान भाइयों सबसे पहले तो निवेदन है कि आप फेसबुक को लाइक करें, लिंक अपने किसान भाइयों को भेजें, जिससे सभी किसान भाई जो गन्ना उगाने वाले हैं वो इस लाइव प्रोग्राम को देख सकें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रिप इरिगेशन फर्टिगेशन में गन्ना उगाने की उन्नत तकनीक। तो किसान भाइयों सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पूरे भारत में ड्रिप इरिगेशन को कहाँ कहाँ, ड्रिप इरिगेशन के अंदर कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो पूरे भारत को अगर हम दो भागों में बांट दें तो पूरे भारत को दो भागों में बांटते ही सबसे पहला जोन आता है सब ट्रॉपिकल जोन, जिसमें गन्ने का एरिया 68% और प्रोडक्शन 57.1%। इसी तरीके से अगर हम ट्रॉपिकल जोन जो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा ये स्टेट आते हैं, तो ऐसे स्टेट में जो एरिया है वो 32% का है और प्रोडक्शन 42.9% का है। इसी तरीके से हम स्टेट वाइज अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, जिसमें 22.34 लाख हेक्टेयर पे गन्ना उगाया जाता है। इसके साथ प्रोडक्शन 1623.38 लाख मेट्रिक टन गन्ना का उत्पादन होता है। लेकिन क्षेत्रफल के साथ में हम देखते हैं कि दूसरे स्टेट जैसे महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है, जो एरिया में 9.02 लाख हेक्टेयर में एरिया क्षेत्रफल है और प्रोडक्शन में 726.37 लाख मेट्रिक टन गन्ने का उत्पादन होता है। लेकिन प्रोडक्टिविटी में अगर देखें, उत्पादकता में अगर हम देखें तो गन्ने की जो उत्पादकता है वो महाराष्ट्र की ज्यादा है और उत्तर प्रदेश की कम है। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट हैं उन सभी स्टेट में यही स्थिति है कि उत्पादकता कम है। इस उत्पादकता हम कैसे बढ़ाएं, प्रति हेक्टर उत्पादन को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में हम आज ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन के सारे अच्छा उत्पादन लेने की तरीके हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। क्लाइमेट गन्ने ऐसी फसल है जो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी सारी क्रियाएं अच्छी होती हैं, चाहे वो जर्मिनेशन हो, कल्ले फूटना हो, टिलरिंग हो, जड़ों की ग्रोथ हो, कार्बन एसिमिलेशन है। ये अगर क्लाइमेट की बात करें तो गन्ने की सारी ग्रोथ ट्रॉपिकल कंडीशन में या सब ट्रॉपिकल कंडीशन में, ठंडी को छोड़ के, जो आपका लो टेम्परेचर है इसको छोड़ के अच्छी होती है। गन्ना एक ऐसी फसल है जो सभी तरीके की जमीनों में उगाई जा सकती है, किसान भाई सभी तरीके की जमीन उगा सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन अगर लेना है तो इसके लिए दोमट मिट्टी या चिकनी दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर हम भूमि की तैयारी करें तो किसान भाई हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जमीन की अच्छी तैयारी करें, एक अच्छी बेड तैयार हो ताकि हम अच्छा उत्पादन ले सकें। लेकिन होता क्या है कि हम कुछ चीजें मूलभूत रूप से भूल जाते हैं, जैसे जब गन्ना 2-3 साल के लिए बोते हैं क्योंकि प्लांट काटेंगे, उसके बाद में एक या दो रटून लेंगे, पेड़ी लेंगे। तो इसी के साथ में अगर हम देखते हैं कि हम कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जो बाकी खेत की तैयारी के साथ में ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये तैयारी है सब सॉइलिंग। क्योंकि जिस खेत में आप गन्ना बो रहे हैं उस खेत में सब सॉइलिंग करने से जो गन्ने जो भी पानी गिरता है, जो नीचे कई बार हार्ड पेन तैयार हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है, जिससे आपका जो भी इरिगेशन फर्टिलाइजर एक सेडिमेंटेशन की जो लेयर होती है वो टूट जाती है और गन्ने का कभी स्टेग्नेशन, जो पानी की जो स्थिरता वो कभी नहीं रहती, पानी कभी भी भरा नहीं रहता, जल भराव की स्थिति नहीं आती है। तो ये मिट्टी की तैयारी हो गई, खेत की तैयारी हो गई। लेकिन ध्यान रहे कि खेत की इतनी गहरी तैयारी हो, 25 से 30 सेंटीमीटर की गहरी हो तैयारी हो, ताकि अच्छी रीजिंग की जा सके, अच्छे फरोज का निर्माण किया जा सके। तो ये किसान भाई जरूरी है इनका ध्यान रखना कि गहराई बहुत महत्वपूर्ण है गन्ने की जो खेत की तैयारी है, उसमें कम से कम 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई हमें अवश्य रखनी है, तैयारी रखनी है। इसी तरीके से अगर हम सीजन की बात करते हैं कि किस समय हम गन्ने की प्लांटिंग करें,
उत्तर भारत में गन्ने की जो बुआई है दो तरीके से होती है, एक तो शरदकालीन बुआई और दूसरी ग्रीष्मकालीन बुआई। शरदकालीन बुआई 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर, ये समय इसलिए बताया गया कि देर की बुआई करने से जो शरदकालीन की बुआई है उसमें जमाव पे बुरा असर पड़ता है, तो किसान भाइयों से निवेदन है कि इस तरीके से बुआई ना करें, देर में बुआई ना करें, इसी समय सीमा में बुआई करें ताकि जमाव अच्छा हो, क्योंकि जमाव हमारे अच्छे उत्पादन का सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला चरण है, तो जमाव को हमें अच्छा करना है। इस सीजन की बुआई हमारे उत्तर भारत में 25% होती है, लेकिन अगर हम ग्रीष्म ऋतु की बुआई देखें तो सबसे ज्यादा होती है, 75% होती है। तो ये भी इस समय क्या होता है कि हम 15 फरवरी से लेके और पूरे मार्च गन्ने की बुआई करते हैं, तो इस सीमा के अंदर बुआई करने से हमारा जमाव अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे किसान भाई बुआई देर से करते हैं, मार्च के बाद अप्रैल में भी करते हैं, तो इस देर की बुआई से करने से ये सबसे बड़ा नुकसान होता है कि जो बाकी आने वाली हमारी स्टेज हैं, जो अवस्थाएं हैं गन्ने में, डेवलपमेंट स्टेज हैं, उनके लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता, जैसे कल्ले फूटने का समय पर्याप्त नहीं मिलता है और बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो हमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि इस समय हम समय सीमा को विशेष ध्यान रखें, बुआई की समय सीमा को विशेष ध्यान रखें, ताकि जर्मिनेशन हमारा अच्छा हो और आगे आने वाली अवस्थाओं के लिए पर्याप्त समय मिल सके। दूसरा क्या होता है, वैरायटी। वैरायटी उत्तर भारत में जो मुख्य रूप से वैरायटी है वो आपकी CO0238, CO0239, CO0118, ये मुख्य तीन वैरायटियां हैं जो सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। इसके अलावा भी COSE 98231, COSE 0135, ये वैरायटियां भी उगाई जाती हैं, लेकिन इनका क्षेत्रफल बहुत कम है, 5-10% का क्षेत्रफल है। ये अर्ली वैरायटियां हैं। इसके अलावा मिड और लेट वैरायटियां भी हैं, जिसमें COSE 767 और COSE 97264, ये वैरायटियां मिड और लेट में उगाई जाती हैं। इसी तरीके से ये वैरायटियों को ध्यान में अवश्य रखें कि हमें कौन सी वैरायटी का चुनाव करना है, क्योंकि उस एरिया के हिसाब से अगर हमें लेट वैरायटी चुननी है या हमें अर्ली वैरायटी चुननी है, खासकर हमें अगर हम अक्टूबर स्विंग कर रहे हैं, समर शरदकालीन बुआई कर रहे हैं, तो हमें अर्ली वैरायटियों का ही चुनाव करना है। अब बात करते हैं हम प्लांटिंग मेथड्स की। तो किसान भाई सामान्य रूप से फरो मेथड या जिसको कूड विधि कहते हैं वो अपनाते हैं, लेकिन जब हम अच्छे उत्पादन की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है वाइड स्पेसिंग की। हम गन्ने की बुआई को थोड़ा सा दूर करें, दूरी को बढ़ाएं। इसमें मुख्य रूप से आता है ट्रेंच मेथड। इस ट्रेंच मेथड में हम मुख्य रूप से 4 फीट जो हल्की मृदाएं होती हैं, जो मध्यम मृदाएं उसमें 4.5 फीट और जो भारी मृदाएं हैं उसमें 5 फीट की दूरी पर 45 सेंटीमीटर का ट्रेंच बनाते हैं और सेट की बुवाई करते हैं, जिनकी गहराई ट्रेंच की गहराई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। तो इस ट्रेंच में हमेशा ही ध्यान रखें कि हमारी मिट्टी कैसी है और इस ट्रेंच में हमें पर्याप्त गहराई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। गहराई का विशेष ध्यान रखें कि ट्रेंच पर्याप्त गहरा होना चाहिए, 20 से 25 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए, चौड़ाई 40 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और स्पेसिंग जो है उसकी आपस में दूरी है वो 4 फीट हल्की मृदा में और 4.5 फीट मध्यम मृदाओं में, 5 फीट भारी मृदाओं में दूरी रखें। इसके अलावा एक पेयर रो प्लांटिंग मेथड है जिसको हम जुड़वा पद्धति बोलते हैं। तो ये पद्धतियाँ अभी जल्द में ही कुछ शुगर केन इंडस्ट्री जो फैक्ट्री हैं, जैसे कुछ जिनके हम नाम लें कि DCM ग्रुप की फैक्ट्रियाँ हैं जो इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही हैं, इसी तरीके से कुछ बलरामपुर चीनी मिल्स की फैक्ट्री हैं जो उत्तर प्रदेश में इस पेयरड्रो सिस्टम पे ज़्यादा जोर दे रही हैं। तो ये बुवाई भी चूँकि ड्रिप इरीगेशन के साथ साथ आना, ये दोनों विधियों के साथ में बहुत ही फिट बैठता है और आप आराम से ड्रिप इरीगेशन को अपना सकते हैं इन्हीं विधियों के साथ में, कोई बिना कोई परिवर्तन किए। तो इसमें क्या करते हैं, 2 या 3 तरीके से हम स्पेसिंग देते हैं, जिसमें 2 फिट 4 फिट और 2 फिट, दो लाइनों के आपस की दूरी 2 फिट रहती है और 2 पेयर्ड लाइनों के बीच की जो गैप होती है वो 4 फिट की होती है। तो नॉर्मली हम 2 फिट 4 फिट और 2 फिट, या दूसरा स्पेसिंग होता है 2.5 फिट 5 फिट और 2.5 फिट, इस तरीके से हम गन्ने की बुवाई करते हैं। इसके यंत्र भी मार्केट में अवेलेबल हैं या किसान भाई अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करा सकते हैं। तो ये ड्रिप इरिगेशन में जो 2 मुख्य बुवाई की विधियां हैं,
जो अच्छे उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो किसान भाई कोशिश करें कि इन्हीं दो विधियों का को अपनाएं, ताकि हम जो पहली स्थिति है गन्ने की सही बुवाई और जर्मिनेशन हम इसको पा सकें। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो बहुत ही कम क्षेत्रों में देखने को मिलती है, नॉर्मली जिसको रिंग फीडबैक कहते हैं। तो इस विधि में रिंग बनाकर गन्ने के सेट्स की बुवाई करते हैं, लेकिन इसके साथ समस्या आती है कि हम लेबर कंजम्पशन ज़्यादा है, मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान भाई से निवेदन है कि वो केवल ट्रेंच मेथड या पेयर रो सिस्टम को ही अपनाएं, जिसमें ड्रिप सिस्टम आसानी से लगा सकते हैं और अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। इसी के साथ जब बात करते हैं बुवाई की, तो बुवाई में सबसे पहले बात आती है बीज के चुनाव की। किसान भाई सबसे पहले ध्यान रखें, बीज बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई बार हम उस पर लापरवाही कर जाते हैं। तो बीज बीमारी रहित होना चाहिए, किसी तरीके से कीड़े से नुकसान न किया गया हो, ऐसे बीज का चुनाव करें, और जो सबसे स्वस्थ गन्ना हो ऐसे गन्नों का ही चुनाव करें। दूसरी बात है कि हमें गन्ने की कटाई, किसान भाई सिंगल आंख का गन्ने की बुवाई या दो आंख के गन्नों की बुवाई करें, दो आंख के सेट्स काटें या एक आंख के सेट्स काटें, जो जमाव के लिए सबसे ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। बीज की एक एकड़ खेत में बीज की 25 से 30 क्विंटल गन्ने की आवश्यकता होती है, बीज रहित और बिल्कुल फ्रेश बीज की आवश्यकता होती है। लेकिन कटाई के समय सबसे पहले से ध्यान रखनी है कि गन्ने के बीज की कटाई, जो ऊपर आंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको छोटा रखना है और आंख के नीचे का हिस्सा बड़ा रखना है। मैं पता रहता है कि जो आंख होती है वो जमाव होते समय जो रिजर्व फूड होता है वो नीचे होता है उसी का उपयोग करती है। तो ये कटाई के समय विशेष ध्यान रखें कि सिंगल आंख का गन्ना काटते समय या दो आंख का गन्ना काटते समय हमें अच्छे टूल्स का ही इस्तेमाल करना है, जो धारदार हो, अच्छी तरीके से धारकता हो, धार किया गया हो। दूसरा, जिस टूल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बार उपचारित कर लें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या किसी फंजीसाइड से उपचारित कर लें, ताकि अगर गलती से कोई खराब या बीमारी ग्रस्त बीज अगर आ जाता है तो वो बीमारी दूसरे काटते समय दूसरे टुकड़ों में ना जाए। इसके अलावा हम बीमारी को आगे बचाने के लिए, आगे बढ़ने से रोकने के लिए हम बीज उपचार करते हैं। बीज उपचार करना अति आवश्यक है, इसमें बावस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर, फिप्रोनिल 1 ml प्रति लीटर या थायफिनेट मिथाइल 2 ग्राम प्रति लीटर और इमिडाक्लोपिड 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर जो सेट्स आपने काटे हैं, जो एक आंख के या दो आंख के टुकड़े काटे हैं, उसको 5 से 10 मिनट के लिए उसको डिप कर लें, ताकि पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाए, जो आप सेट्स हैं वो पूरी तरीके से डूबे रहें, और डूबने के बाद उसको निकाल के छाया में रख लें और उसके बाद ही इसकी बुवाई करें। इसके बाद हम बीज का प्लेसमेंट, क्योंकि बीज का प्लेसमेंट करना एक बहुत बड़ा तरीका है, ताकि अच्छे जमाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। लेकिन बीज प्लेसमेंट से पहले 2 क्रियाएं ऐसी हैं जिनको करना आवश्यक है। जब भी आप ड्रिप सिस्टम लगा लेते हैं और ड्रिप सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद में हम ड्रिप सिस्टम को कम से कम 1 दिन पहले अच्छी तरीके से चला लें, ताकि जो फरोज हैं, जो ट्रेंच हैं या जो पेयर रो आपने बनाई है इनमें पर्याप्त नमी हो जाए, और नमी होने के बाद में जब दूसरे दिन आप बुवाई करें तो इसमें जो खाद होती है उस खाद को पूरी तरीके से फैला लें, जो आप जो बेसल टोस डालने वाले हैं उसको पूरी तरीके से डाल के मिक्स कर लें, उसके बाद सेट का प्लेसमेंट करें। उस सेट का प्लेसमेंट करते समय जो 2 मुख्य बातें हैं कि जो सेट की आँख है, जो टुकड़े की गन्ने के टुकड़े की जो आँख है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, खासकर सिंगल बर्ड में। तो एक आँख का टुकड़े की बुवाई कर रहे हैं वो उसकी आँख ऊपर को ही रखनी है, लेकिन जब आप 2 आँख के टुकड़े की बुवाई करते हैं तो वो दोनों आँखें साइड को होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता रहता है जब एक आँख राइट में है तो दूसरी आँख लेफ्ट में होती है, अगर हम कोई आँख को ऊपर कर देंगे तो दूसरी आँख स्वाभाविक रूप से नीचे चली जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि 2 आँख के टुकड़े बोते समय हम आँख को साइड में ही रखें। इसके बाद बात आते हैं ड्रिप इरीगेशन सिस्टम की। सिंचाई के किसान भाई बहुत सारे तरीके अपनाते आ रहे हैं, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए ड्रिप इरीगेशन सिस्टम अपनाना सबसे अच्छा है। ड्रिप इरीगेशन की अगर हम अपनाने जा रहे हैं तो जान लें कि ड्रिप इरीगेशन से क्या क्या फायदे हैं। ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा साधन है जिससे अगर हम देखें तो
30-40% अगर हम फ्लड इरिगेशन करते तो 30-40% केवल पानी फसल के काम आता है, ड्रिप इरिगेशन को देखें तो 90% पानी फसल के काम आता है। और इसी तरीके से अगर एफिशिएंसी की बात करें तो 90-95% ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी होती है। ड्रिप इरिगेशन कैसे लगाया जाता है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले बोरवेल से जो पानी निकलता है, उस बोरवेल से पानी निकलने के बाद में एक बाईपास सिस्टम होता है कि अधिक अगर हमारी जरूरत से ज़्यादा पानी है तो बाईपास होकर वापस बोरवेल में चला जाए। इसके बाद हमारा एक फिल्टर यूनिट होता है, तो जो फिल्टर यूनिट होता है उस फिल्टर यूनिट से पानी पास होते हुए जो पानी में अशुद्धियां हैं वो फिल्टर में रह जाती हैं और समय समय पर उनको निकाल दिया जाता है। इसके बाद ये हमारा एक फर्टिगेशन यूनिट होता है जहाँ से हम फर्टिलाइजर को मिक्स करते हैं और फसल को फर्टिगेशन करते हैं या उसको न्यूट्रिशन पहुँचाते हैं, ऐसा एक यूनिट होता है। तो उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो उस फिल्टर यूनिट के बाद में, फर्टिगेशन यूनिट के बाद में हमारा एक मेन पाइपलाइन, जो मेन लाइन कहते हैं, वो हमारे फील्ड तक पहुंचता है और वहां से कई सेक्शनों में हमारी डिजाइनिंग होती है। इसी तरीके से आगे देखते हैं कि ये फील्ड में हमारा जो हेड यूनिट है या जो फिल्टर यूनिट है इस तरीके से लगाया जाता है, जहां पे आप देखेंगे कि ब्लू कलर का जो पाइपलाइन लगा हुआ पार्ट और वेंचुरी, इसको वेंचुरी सेक्शन बोलते हैं, जहां से फर्टिलाइजर इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद एक हाइड्रोसाइक्लाइन फिल्टर है, एक स्किन फिल्टर है और उसके बाद में मेन पाइपलाइन आपकी फील्ड के लिए गई है। तो ये हेड यूनिट होता है जहां से हम पानी को फिल्टर करते हैं और फर्टिलाइजर इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद बात आती है फील्ड में इंस्टॉलेशन की, तो फील्ड में इंस्टॉलेशन इस तरीके से होता है कि जो मेन लाइन आई हुई है हमारी बोरवेल से फिल्टर यूनिट के बाद में, उससे कई सारे कनेक्शन निकाल के पीवीसी का कनेक्शन करते हैं। पीवीसी से कनेक्शन करने के बाद में हम ड्रिप लाइन का कनेक्शन करते हैं और ड्रिप लाइन जो हमारी होती है वो फसलों तक, फसलों के किनारे, गन्ने की फसल के किनारे किनारे लिंक कर दी जाती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि जो ड्रिप लाइन होती है वो कई तरीके, जैन इरिगेशन में हमारे पास कई रेंज है, लेकिन इसका चुनाव करना बहुत आवश्यक है कि ड्रिप लाइन किस तरीके की ड्रिप लाइन का चुनाव करें। तो इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं कि ड्रिपर की स्पेसिंग क्या है, कि आपस में ड्रिपर की दूरी क्या है और उनका डिस्चार्ज क्या है, कितना पानी वो प्रति घंटे में निकालते हैं। तो हमारे पास एक जैन इरिगेशन सिस्टम में 1 लीटर से लेकर 8 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी निकालने वाले ड्रिपर्स और 10 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर की दूरी तक शटल किए हुए ड्रिपर्स, ड्रिप लाइन उपलब्ध हैं। लेकिन गन्ने की फसल के लिए 30 सेंटीमीटर स्पेसिंग और 4 लीटर प्रति घंटे की दर से डिस्चार्ज करने वाले ड्रिपर सबसे उपयुक्त होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा अंतर होता है, अगर मिट्टी आपकी बदलती है, हल्की मृदा है तो 30 सेंटीमीटर और 4 लीटर, अगर आपकी भारी मृदा है तो 40 सेंटीमीटर और 4 लीटर की दर से डिस्चार्ज करने वाली ड्रिप लाइन का चुनाव करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ड्रिप लाइन की, तो ड्रिप लाइन के बाद में बात आती है वाटर मैनेजमेंट की, कि हम गन्ने में इस तरीके की ड्रिप लाइन डालते हैं तो हम कितना समय अपने सिस्टम को चलाएं ताकि हमारी फसल की जरूरत पूरी हो जाए, हमारी गन्ने की फसल पूरी हो जाए। तो अगर हम फरवरी में गन्ने की बुवाई करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, तो फरवरी में बोने पर हमारी जो फरवरी की पानी की जरूरत होगी फसल को वो 0.65 मिलीमीटर, ये पानी की जो गहराई है इतने पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम लीटर में बात करें तो 2924 लीटर प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे आपका दिन बढ़ता जाता है, समय बढ़ता जाता है, फसल का जमा हो गया, अलग अलग ग्रोथ स्टेज आती है, तो मार्च में अगर देखेंगे तो 6443 लीटर पानी की आवश्यकता होगी, अप्रैल में 11273 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो ये शेड्यूलिंग करना इसलिए जरूरी है कि हमें कितने समय तक पंप को रन करना है, आपकी पंप की क्या कैपेसिटी है कि आप कितने समय तक सिस्टम चलाएं। तो इतने की पानी की आवश्यकता है, इतने लीटर पानी की आवश्यकता है, तो इतने समय में आपकी जो पंप है वो कितना डिलीवर पानी कर दे, उतने एकरेज का सिंचाई आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम जून, जो सबसे गर्म का महीना होता है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा गर्म होता है, इस समय गन्ने की फसल को 24,600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये जरूरत को देखते हुए आगे जब हम फसल की बात करते हैं कि हमारी फसल में जड़ों का विकास कैसा होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मिट्टी के हिसाब से जो पानी, जब पानी में जब बूंद गिरती है तो किस तरीके से उसका फैलाव होता है। तो जो मिट्टी हल्की मिट्टी होती है, तो हल्की मिट्टी में क्या होता है, गाजर जैसा सेब आता है।
गाजर की तरीके से इसका सेप आता है, बूंद बूंद करके पानी गिरता है और सीधा नीचे की तरफ ज्यादा भागता है। अगर मीडियम सॉइल की बात करें तो करीब करीब चुकंदर की तरह जो शेप आता है, अगर आप चुकंदर को देखेंगे तो ड्रॉपलेट्स गिरती है उसके बाद में साइड को फैलती है, इसको साइड सीपेज कहते हैं। और इसी तरीके से अगर हम हरी मृदा की बात करें तो बिल्कुल प्याज की तरह एक शेप आता है, इसी तरीके से पानी का फैलाव होता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम मिट्टी को ठीक तरीके से पहचाने उसी तरीके से हम अपने ड्रिप सिस्टम को डिजाइन करें, इसी के हिसाब से जड़ों का विकास होता है। गन्ने की जड़ों का जो विकास है वो ऊपर की एक फीट की लेयर में सबसे ज्यादा होता है, 60% जड़ें आपकी एक फीट में होती, बाकी की जड़ें होती जो 30% वो सपोर्टिव रूट्स बोलते हैं जिनको सपोर्ट गन्ने को मिलता है, खड़े होने के लिए उसमें सहारा मिलता है, तो 30% जड़ें, और जो 10% जड़ें वो बाकी 3 से 5 फीट के बीच में होती हैं। ये जो जड़ों का विकास है कुछ इस तरीके से होता है। अब हम चलते हैं गन्ने के ग्रोथ फेजेस की तरफ। सबसे पहले जो फेज होती है वो जर्मिनेशन होती है। नॉर्मली हम देखते हैं किसान भाई जो गन्ना बोते हैं गन्ने का जमाव 30 से लेकर 50 दिन तक होता है, लेकिन आप अगर आप ड्रिप इरीगेशन से गन्ने की बुवाई करते हैं और इस तरीके से सिंचाई करते हैं ड्रिप इरीगेशन से, प्रतिदिन आप अगर नमी करते हैं खेत में और ड्रिप सिस्टम से ये संभव है कि आप प्रतिदिन खेत में पानी दे पाए और वो नमी की अवस्था बनाए रखें, जिससे आपके खेत का जमाव बहुत जल्दी होता है और ये 15 दिन से 30 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। तो किसान भाई अगर ये स्टेप बाय स्टेप देखें कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेज जो है जर्मिनेशन, किसान भाई सबसे ज्यादा नुकसान अपना वहीं पे करते हैं। तो अगर ड्रिप इरीगेशन अपनाते हैं तो ये जर्मिनेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जर्मिनेशन इतना महत्वपूर्ण है कि अगर एक एकड़ की बात की जाए तो अगर हम 35 से 40 हजार सूट्स का जमाव हो जाए तो आपकी उपज वहीं पर निश्चित हो जाती है कि इतनी उपज हम ले सकते हैं, लेकिन वो एश्योरेंस आप फ्लड इरीगेशन से नहीं कर सकते हैं, केवल ड्रिप इरीगेशन से ही इस चीज़ को एश्योर कर सकते हैं कि हमारे खेत में अच्छा जमाव हो। इसके अलावा जो टिलरिंग स्टेज आती है, क्योंकि गन्ने में एक अवस्था आती है कि जमाव के बाद में उसमें बहुत सारे कल्ले फूटते हैं और वो गन्ने का रूप लेते हैं, लेकिन किसान भाई ये अवश्य ध्यान रखें कि गन्ने का रूप लेने वाले सूट्स वही होते हैं जो समय पर निकलते हैं। अगर वो देर से निकले तो आपका दो गुना नुकसान करते हैं, एक तो वो खुराक भी जमीन से ले जाते हैं, आपकी दी हुई खाद का अवशोषण भी करते हैं और अंत में गन्ने का निर्माण नहीं होता है। तो ये जो सूट्स होते हैं जिनसे गन्ना बनना होता है, गन्ने का निर्माण होता है, इनको इफेक्टिव टिलर्स बोलते हैं, प्रभावी सूट्स होते हैं जिनसे गन्ने का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रभावी सूट्स आपके ड्रिप इरीगेशन में सबसे ज्यादा बनते हैं। तो किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना है कि इफेक्टिव टिलर्स बनाने के लिए हमें ड्रिप इरीगेशन का को अपनाना है। और हम बात करते हैं ग्रांड ग्रोथ फेज की, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है जो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है और सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन किसान भाई कई बार क्या करते हैं, हमने देखा कि जो नजदीक गन्ने की बुवाई करते हैं उनके साथ ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गन्ने की फसल में 140 से 160 दिन के बाद में वो खेत के अंदर जा नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा उसके अंदर घना हो जाता है कि आप उसके अंदर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहली जो बुवाई है वो आपको वाइड स्पेसिंग करनी है, दूरी पे करनी है, ताकि आप गन्ने की फसल बढ़ने के साथ में आप उसके अंदर जो अंतर क्रियाएं हैं उनको भी ठीक से कर सकें। तो ये ग्रांड ग्रोथ फेज है, इसमें जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो डेली बेसिस पानी की आवश्यकता होती है, प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है, ये आप ड्रिप इरीगेशन से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये एक ऐसा साधन है कि आप प्रतिदिन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और ये स्टेज पे सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, जो केवल ड्रिप इरीगेशन सिस्टम से ही संभव है। किसान भाई सबसे बात करते हैं इंटर कल्चर ऑपरेशन, जो अंतर क्रियाएं होती हैं, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जो 12 महीने से लेकर 15 महीने तक एक साइकिल पूरी होती है, और इसके बाद भी अगर आप पेड़ियों की गिनती करें, जो पेड़ी की गिनती करें, रेटून की गिनती करें, 2 से 3 रेटून 4 रेटून बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में अगर देखें तो हमारा गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में 11वां पेड़ी ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के साथ में अभी भी चल रहा है। तो ये मानने की बात है कि हम गन्ने की बुवाई को बार बार क्यों करें, अगर हम उसकी अच्छी रेटून पैदा कर सकते हैं, अच्छी पेड़ी ले सकते हैं, तो आप ऐसी क्रियाओं ड्रिप इरीगेशन जैसे साधन, इससे पोषक तत्व की अच्छी सप्लाई हो सके। इसके अलावा जो इंटरकल्चर ऑपरेशन है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले रेटून्स हैं, इनको आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें। तो इंटरकल्चर ऑपरेशन का जो पहला स्टेज है गन्ने की बुवाई के साथ में,
जो खरपतवार आते हैं उनको खत्म करना। तो जमाव के बाद में अगर हम देखें तो उसकी एक हल्की सी गुड़ाई निराई की आवश्यकता होती है, जो आप बैलों की सहायता से भी कर सकते हैं, आप ट्रैक्टर की सहायता से भी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब आप ड्रिप इरिगेशन का इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये समस्या आपको कम आती है, क्योंकि जब आप ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं तो पानी का जो मूवमेंट होता है वो केवल गन्ने की लाइन के पास होता है। गन्ने की नमी जो नमी होनी चाहिए वो केवल गन्ने की फसल की लाइन के पास होती है, जो बाकी का हिस्सा है वो सूखा रहता है। तो ये सबसे बड़ा फायदा है ड्रिप इरिगेशन का कि आपको अनावश्यक जो खर्चा होने वाला था वो आपका नहीं हुआ। दूसरी बात, ड्रिप इरिगेशन होने के साथ में आप जो प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड हैं इनका आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हर्बिसाइड्स जब भी बहुत प्रभावकारी होते हैं जब खेत के अंदर पर्याप्त नमी और लंबे समय तक नमी बनी रहती है। जैसे ही नमी सूखती है उस हर्बिसाइड का, उस खरपतवार नाशी का असर खत्म हो जाता है, जैसे पेंडामिथ्रिन। तो जब भी आप ड्रिप इरिगेशन अंतर्गत आप जब फसल गन्ने की फसल की बुवाई करते हैं तो ध्यान रहे कि गन्ने की बुवाई के ठीक तुरंत बाद आप पेंडामिथ्रिन का स्प्रे अवश्य करें। दूसरी जो स्टेज आती है तो गन्ने में टीलर्स की संख्या आनी होती है, जब टीलर्स निकलना स्टार्ट होते हैं तो गन्ने की लाइन के पास से आपको मिट्टी को ढीला करना रहता है। कुछ ऐसे यंत्र हैं जो आप ट्रैक्टर से बैलों से उसको इस्तेमाल करके आप उस मिट्टी को लूज कर सकते हैं ताकि जो टीलर्स हैं वो बड़ी आसानी से ऊपर आ सकें। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अर्थिंग अपनी मिट्टी चढ़ाने की, तो ये मिट्टी चढ़ाने का जो गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का जो महत्व है वो इतना है कि ये दो चीज़ों को कंट्रोल करता है। सबसे पहले जो अनावश्यक टीलर्स हैं, जो सूट्स हैं, एक स्टेज के बाद में हमें जो टीलर्स हैं वो हमारे काम के नहीं होते हैं, तो ऐसी अवस्था में हमें मिट्टी चढ़ा देने से उस पर लगाम लगती है, उस पर रुकावट आती है और जो बाकी की जो गन्ने जो जमाव सूट हो चुके हैं, गन्ने बनने का निर्माण गन्ना बनना स्टार्ट हो चुका है तो उस पर गति आती है, उस पर तीव्रता आती है। तो ये मिट्टी चढ़ाना आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैनुअली कर सकते हैं, दूसरा भी मिनी ट्रैक्टर्स जिनकी सहायता से आप बड़ी आसानी से मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम वाइड स्पेसिंग पे अगर हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो ये बुवाई में आप छोटे ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नज़दीक बुवाई करते हैं तो किसान भाई पहले से ही देखते आ रहे होंगे पर्याप्त मिट्टी ही उनको नहीं मिल पाती है, तो दूरी पर गन्ना बोना, उचित दूरी पर गन्ना बोना बहुत आवश्यक है। किसान भाई कई बार ये देखते होंगे कि हम जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है तो आपको अपने आप ही लगेगा कि हमारी जो कैनोपी है, हमारी जो पत्तियां हैं वो आपस में मिलती जाती हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर पर्याप्त मात्रा में स्पेसिंग होती है तो जो प्रकाश है वो पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पत्ती पर गिरता है और जो फोटोसिंथेसिस है प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में होती है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं दूसरा जो इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन में एक सब सरफेस इरीगेशन सिस्टम है जिसमें जो ड्रिप लाइन है वो गन्ने की जड़ से बिल्कुल आसपास होता है, थोड़ा सा ड्रिप लाइन ऊपर होती है और गन्ने की बुवाई थोड़ी सी 1 से 1.5 इंच नीचे की जाती है। तो ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऐसा है कि आपको जो नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है जिसको हम सरफेस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है इसको जब 1-2 साल करने के बाद में हमें इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जिसकी वजह से हमें पूरा ज्ञान ना होने की वजह से कई बार नुकसान होने की संभावना होती है। अब हम बात करते हैं गन्ने के पोषण की, फर्टिगेशन की। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें फर्टिगेशन की सहायता से हम उपज को 2 गुना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये फर्टिगेशन के लिए हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ये ध्यान देने की बात है। तो गन्ने की फसल है, नेचर में कोई भी फसल हो, कोई भी पौधा हो, प्रकृति ने 3 तत्व ऐसे हैं जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो प्रकृति दिए हैं, जो प्रकृति ने अपने आप ही दिए हैं, लेकिन इसके बाद जो मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हर एक पोषक तत्व का उतना ही रोल है, उतना ही महत्व है जितना पहले का। अच्छे उत्पादन के लिए इस सारे पोषक तत्व एक संतुलित मात्रा में चाहिए, संतुलित मात्रा में सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान दें किसान भाई कि हम ये सारे फर्टिलाइजर
किस तरीके से हम ड्रिप सिस्टम में देंगे। तो ड्रिप सिस्टम में देने के लिए हमारा एक इक्विपमेंट होता है, इसको वेंचुरी सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्टर पंप होता है, एक फर्टिलेशन टैंक होता है। इन तीनों में से किसी भी उसको हम किसी भी चीज को इस्तेमाल करके किसी भी फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी ड्रिप सिस्टम में हम फर्टिलाइजर को इंजेक्ट कर लेते हैं। फर्टिलाइजर किस तरीके की फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है फर्टिगेशन के लिए, किसान भाई कई बार ही पूछते हैं कि क्या हम डीएपी फर्टिगेशन से दे सकते हैं। नहीं, सबसे पहले ये जानना है कि ड्रिप इरीगेशन में फर्टिगेशन के लिए हमें सिर्फ उन्हीं फर्टिलाइजर्स को चुनाव करना है जो पूरी तरीके से पानी में घुलनशील है, जैसे यूरिया, अगर मार्केट में देखें तो सफ़ेद पोटास भी होती जो पूरी तरीके से पानी में घुलनशील है, 1119, 1919, 1260, 0552, 1344, 1744, 1744 और कुछ चिलेटिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये ऐसे फर्टिलाइजर हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील हैं। लेकिन तो बात करते हैं पूरे न्यूट्रिशन की, पूरे पोषण की। तो फर्टिलाइजर का कुछ हिस्सा हम बेसल में डालते हैं, इसके बाद जब फसल के जमा होने के बाद में हम ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से फर्टिलाइजर को एक प्रॉपर शेड्यूल में जो गन्ने की आप फसल को आवश्यकता होती है उस हिसाब से देते हैं। तो गन्ने की एक ऐसी फसल है, अगर हम स्टेज वाइज को हम डिफाइन करें तो जर्मिनेशन के बाद में जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की जो अनुपात की आवश्यकता होती है उसमें 1:1 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास चाहिए। अगर हम टिलरिंग स्टेज की बात करें, कल्ले फूटने की बात करें, तो उसमें 3:1 नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की आवश्यकता होती है। अगर ग्रांड ग्रोथ फेज की बात करें तो उसमें 2:1 मैच्योरिटी की बात करें तो 0:0:3। इसका मतलब है कि पहले स्टेज पे हमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास बराबर चाहिए, इसके बाद नाइट्रोजन ज़्यादा चाहिए और इसके बाद फास्फोरस और पोटास ज़्यादा चाहिए और लास्ट में पकने के लिए पोटास ज़्यादा चाहिए। तो इस तरीके से हम फर्टिलाइजर का समायोजन करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट, ये ज़रूरत हम पानी में घुलनशील खादों के माध्यम से ड्रिप सिस्टम में जो इक्विपमेंट है हमारा जिसको वेंचुरी बोलते हैं, इसके माध्यम से प्रॉपर शेड्यूल के करके हम उसको देते रहते हैं। इसके साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी हम बड़ी आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारी गन्ने की स्टेज बदलती जाती है, हम डोज को अलग अलग मात्राओं में हम फसल को देते रहते हैं। तो ये फर्टिगेशन में एक शेड्यूल का बहुत बड़ा महत्व है। ये आपकी लोकेशन कि आप आपकी मिट्टी कैसी है, आपकी बुवाई का तरीका कैसा है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है जानने की। तो फर्टिगेशन को हमें बिल्कुल पूरी तरीके से अपनाना चाहिए। इसके अलावा हमें ये जानना चाहिए कि किन पोषक तत्वों को हमें पहले और किन पोषक तत्वों को बाद में ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये तीन ऐसे तत्व हैं जो पहले हाफ साइकिल, जो पहले फर्स्ट 6 मंथ हैं गन्ने की फसल के लिए, उनमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन अगर पोटाश, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीन पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता गन्ना बनने से लेकर गन्ना पकने तक होती है। तो इसी तरीके से हमें फर्टिलाइजर का शेड्यूल करना है। इसके अलावा जो माइक्रो और सेकेंडरी एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिसमें जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, इस तरह की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये पोषक तत्व भी हम फर्टिगेशन के माध्यम से देते रहते हैं। किसान भाई, सबसे पहले ये जाने कि हमारे यहाँ की जो रिकमेंडेशन है, जो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है या रिसर्च सेंटर ने जो बताया है कि कितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता में गन्ने के लिए होती है औसत उपज पाने के लिए। तो अगर हम शरदकालीन गन्ने की बुवाई करें तो शरदकालीन गन्ने की बुवाई में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से अगर ग्रीष्मकालीन की हम बुवाई की बात करें तो 105 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की आवश्यकता होती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पूरी साइकिल के लिए हैं, पूरी साइकिल में जरूरत पड़ती है। इसके माध्यम से जो औसत उपज है 400 से 500 क्विंटल के बीच की, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग का एक दूसरा तरीका भी है कि प्रति टन गन्ने के उत्पादन के लिए हमें कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। टारगेट बेस्ड हम फर्टिलाइजर को कैसे अप्लाई करें, टारगेट बेस्ड हम अपने उत्पादन के हिसाब से हम फर्टिलाइजर को कैसे शेड्यूल करें, तो ये केवल ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही संभव है कि हम इस तरीके से ज़्यादा उत्पादन के लिए हम फर्टिलाइजर को, उनकी डोज को, उनकी मात्रा को हम निर्धारित करें। इसी तरीके से बात करते हैं
पोषक तत्वों के कमी की। किसान भाई ये अवश्य जान लें कि जब अपनी खेती को जो वो तैयार करते हैं, खेत में सारी व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन कई बार पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व न पहुंच पाने के कारण या किसी वजह से उनकी कमी दिखाई देती है, तो ये कमी दिखाई देने पर उनकी उपज का नुकसान होता है। तो ये डिफिशिएंसी सिम्टम्स अवश्य जाने। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियों जो पुरानी पत्तियां हैं उनको एलुस हो जाती है, पीली हो जाती है, तो ऐसे समय पर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएं। इसी तरीके से फास्फोरस की कमी से पत्तियां बैंगनी कलर की हो जाती हैं, तो बैंगनी कलर होने पे आपको फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाना है। खासतौर से देखा गया है कि जो विंटर सीजन, जो शरतकालीन बुवाई है, ऐसी बुवाई में सर्दी आने पर इस तरीके के कलर दिखाई देते हैं, तो निश्चित रूप से ये फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस पौधा जमीन से नहीं ले पाता है टेम्परेचर कम होने से, ऐसे समय पर आप स्प्रे करके, फोलियर एप्लीकेशन करके भी आप इस कमी को दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पोटास की कमी है, तो पोटास की कमी होने से जो मिड रिब है इसमें लाल धब्बे पड़ने लगते हैं, और जो भोजन बनने के बाद में जो सप्लाई होती है वो रुक जाती है, और आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। किसान भाई पोटास की कमी से जो उनको नुकसान होता है उसे भरपाई कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फर की कमी से जो पत्तियां हैं वो एलोइस हो जाती हैं, और जो मिडिल लीव्स होती हैं, जो बीज की पत्तियां होती है, जो नई पत्तियां होती हैं, उनमें पीला बनाता है। किसान भाई सल्फर के लिए वो 90% बेंटोनाइट सल्फर इसका इस्तेमाल करें, या बुवाई के समय सल्फर का इस्तेमाल करें। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो बुवाई पर सल्फर का एप्लीकेशन 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य करें। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है कि जैसे ही गन्ना बनना स्टार्ट होता है, जैसे ही हमारी ग्रांड ग्रोथ फेज स्टार्ट होती है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम की आवश्यकता इस समय होती है। तो किसान भाइयों को संवेदनशीलता से ये देखना है कि जब गन्ना बनना हमारा स्टार्ट हो जाता है, जो नोट्स और इंटर नोट्स का निर्माण प्रारंभ होता है, तो ऐसे समय पर हम कैल्शियम का उपयोग करें, कैल्शियम का एप्लीकेशन करें। जो ड्रिप इरीगेशन से जितने भी पोषक तत्व हैं हमें स्टेज वाइज हम जब चाहें तब दे सकते हैं। ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा साधन है, तो हम ड्रिप इरीगेशन को ही अपना कर ये जो समस्याएँ हैं, जो डेफिशेंसी हैं, ये स्थिति ही नहीं आएगी। आप इस तरीके से शेड्यूलिंग करें कि ये स्थिति आए ना, ताकि आपके उत्पादन का कोई नुकसान ना हो। मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो गन्ने की फसल में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। गन्ने की फसल को 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मैग्नीशियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है जो मैग्नीशियम की पूर्ति करता है, तो आप बीच बीच में शेड्यूल के माध्यम से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आप मैग्नीशियम का भी समावेश करें। जिंक तत्व ऐसा है जो पत्तियों पर जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, जो पत्तियों की सिराओं के बीच में जो हरापन होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए आप कोशिश करें कि जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ का उपयोग करें। लेकिन यदि आप कई बार फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जिंक एक ऐसा तत्व जो फास्फोरस के साथ रिएक्शन भी करता है, तो कोशिश करें अगर चिलेटिंग न्यूट्रिएंट्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो जिंक का चिलेटेड फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, जिंक का चिलेटेड सोर्स इस्तेमाल करें, ताकि जिंक का पौधे को पूर्ति हो सके। इसके अलावा बोरोन की कमी होने से पत्तियों पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, और जो नई पत्तियाँ उस आकार में छोटी हो जाती हैं, तो बोरोन को डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट या 20% बोरोन की मात्रा से 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर पूरा किया जा सकता है। आयरन, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें आयरन की आवश्यकता होती है, और ये स्टेज होती है जब डीलर्स निकलने के बाद में, जो शूट्स निकलने के बाद में इसकी आवश्यकता होती है। तो गन्ने की जो तीसरी फर्टिलाइजर होती है, ऐसी फर्टिलाइजर में हम फेरस सल्फेट या चिलेटेड आयरन का इस्तेमाल करें, जिससे आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। अब बात करते हैं कि कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो आपस में मोबाइल या इमोबाइल होते हैं। तो मोबाइल न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, ये तत्व ऐसे हैं जो मोबाइल हैं। इमोबाइल तत्व में कैल्शियम, सल्फर, बोरोन, तो ये मोबाइल और इमोबाइल की जो है इसका सिर्फ सीधा अर्थ यह है कि पोषक तत्व की अगर कमी हो जाती है तो इनकी पूर्ति के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना है, इसलिए ये स्थिति आना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जब पोषक तत्वों की कमी आती है तो हम किस तरीके से पहचानें
कहाँ पे किस पोषक तत्व की कमी होती है। तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं उस पर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी आती है, मैग्नीशियम, पोटास, मोलिब्डेनम, जिंक, ये हमेशा मध्यम जो मिडिल लीव्स होती है इस पर कमी दिखाई देती है। इसके अलावा मैग्नीज, कॉपर, फेरस, सल्फर, ये पोषक तत्व की कमी बिल्कुल यंगर लीफ में दिखाई देती है। लेकिन बोरॉन और कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जिसकी कमी बिल्कुल एपिकल लीफ, एपिकल में दिखाई देती है, बिल्कुल एपिक्स में दिखाई देती है, बिल्कुल टॉप में दिखाई देती है। तो ये पोषक तत्वों की कमी के पहचानने के तरीके हैं। अब बात करते हैं हम जो डेफिशिएंसी है किस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे हम खेती करते आए हैं 1950 से लेकर 2000 तक, जिस तरीके से हमें फर्टिलाइजर की आवश्यकता पड़ी, इसमें सबसे पहला नाइट्रोजन था, उसके बाद नाइट्रोजन के बाद में फेरस हुआ, तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास के अलावा जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन, इस तरीके से पोषक तत्व की आवश्यकता है। तो जब भी हम फर्टिलाइजर का शेड्यूल करते हैं, फर्टिगेशन का प्लान करते हैं, तो पूरी तरीके से हम ऐसे तत्वों को समावेश करें जिनकी हमें जरूरत पड़ती है गन्ने में। अब बात करते हैं गन्ने में बीमारी और पेस्ट की। तो बीमारी है और जो कीड़े हैं ये फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और आपकी उपज को कम कर देते हैं। तो गन्ने में मुख्य रूप से आने वाली जो कीड़े हैं आपके सूट बोरर, स्टेम बोरर, टॉप बोरर, इसके बाद पायरिल्ला, वाइट फ्लाई, ये कीड़े सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारी के रूप में आपका जो सबसे ज्यादा प्रभावी बीमारी है वो आपकी रेड रॉट है, जिससे सबसे ज्यादा फसल को नुकसान होता है। इसके अलावा विल्ट है, स्मट है। तो ये जो आपकी जो रेड रॉट है, जो लाल सड़न बीमारी है, ये बीज जनित है। किसान भाइयों से सबसे पहले निवेदन है, जब भी आप अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो अपने बीज को उपचारित करके बोएं। इसके अलावा जो स्मट है, क्योंकि अगर आप देखते होंगे कि जब भी हमारी प्लांट है वो अगर उसकी कटाई जल्दी हो जाती है, फरवरी में, जनवरी में हो जाती है, तो कई बार जो रेटून में पहले जो सूट्स आते हैं उसमें इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं, पूरा काला किट जैसा होता है, इसको स्मट बोलते हैं। इसी तरीके से जो विल्ट है, तो विल्ट की समस्या जो है हमें बारिश के समय में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है ये समस्या। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपको सबसे पहले तो बीज उपचार करना चाहिए। इसके अलावा जो फंगिसाइड हाइफनेट मिथाइल है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनकोजेब है, या और भी सारे मार्केट में फंगिसाइड हैं इस तरीके के, पर प्रॉपर उपयोग करें, अच्छी तरीके से उपयोग करें ताकि बीमारी की समस्या ना आने पाए। अब हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसमें एक 2 से 3 महीने का ऐसा पीरियड होता है, एक समय होता है जिसमें गन्ने की ग्रोथ बढ़वार कम होती है, और ऐसे समय में हम कुछ फसलों को अंतर्वर्ती फसलों के रूप में बुवाई कर सकते हैं, जैसे गन्ना, आलू, गन्ना और उड़द, गन्ना और मूंग, गन्ना और पात गोभी, इसी तरीके से गन्ना और प्याज। तो ये फसलें ऐसी हैं जो गन्ने के साथ में एक समय तक बोई जा सकती हैं और उनका लाभ उठाया जा सकता है। तो गन्ने में इंटरक्रॉपिंग करें ताकि अच्छा लाभ उठाएं। किसान भाइयों से मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं कि इस तरीके से गन्ना और धनिया हुआ हो रखा है, आगे आप गन्ना और सरसों देख रहे हैं, और इसके बाद हम अपनी बात को विराम देते हैं। मैं फिर से अनिल कुमार जैन इरिगेशन सिस्टम से आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस गन्ने के उत्पादन की तकनीक को सुना जैन इरिगेशन से, जो हमने आपसे हो सका, क्योंकि ऐसी जो स्थिति आज की जो स्थिति थी COVID-19 की वजह से, जो समस्या, जो आपातकाल पैदा हुआ, इसमें हम किसान भाइयों को इसी तरीके से सहयोग कर सकते थे ताकि आप तक ये गन्ना उत्पादन की तकनीक पहुँचे और आप अपने उत्पादन को और अच्छा कर सकें। मैं हमेशा जैन इरिगेशन से आपकी सेवा करता रहूँगा और निवेदन करूँगा कि जो ये ऑन लाइव प्रोग्राम है ये अपने किसान भाइयों में अपने लिंक को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचे और उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार। Water is life. We all need clean water to live, to grow crops, to thrive. But there just isn't enough water or land to feed our hungry world.
unless we change the way we grow food. That's why millions of farmers are turning to Jane. Jane is totally integrated, totally innovative. Farmers helping farmers. The company logo reflects our holistic cycle of shared values. The sun, source of free, renewable energy. Enhanced crops, thanks to tissue culture plants and improved inputs. Water, used sparingly and intelligently. The land, protected and used wisely to deliver more. Jane has become a worldwide force in irrigation technology, the agri-value chain, and green energy solutions. Headquartered in Jalgaon, India, in just two generations, the company that started with 7,000 rupees has become a billion-dollar organization, the world leader in agro-technology. Jane starts with detailed 3D designs and provides the widest range of irrigation products and solutions. In this remote part of the world, where there is no electricity, Jane's solar-powered pumps provide on-demand irrigation through a variety of Jane pipes to irrigate the roots of plants produced in Jane's own fields and greenhouses. We pioneered the use of drip tapes for row crops with the innovative Chafin tape. Thanks to our micro-irrigation systems and close work with farmers, we help them grow better produce that sells for more. We have even created a breakthrough technique to grow rice with drip irrigation. The result, better yields and better quality. Israel is known for bringing advanced irrigation to the world, and Nandan Jane led the way with integral drip line and sprinklers. Jane, total integration, total technological innovation, whether you farm 1 or 100,000 acres. No one offers a greater variety of products than Jane. On 5 continents, Jane is transforming the lives of farmers. Millions of farmers, 10,500 associates, more than 1,000 agro-specialists, 30 production plants, sales in 116 countries, 7,000 dealers and distributors, global leaders in micro-irrigation, mangrove processing, tissue culture plantlets, pioneers in solar agri-pumping, producing 40,000 kilometers of drip tube every day, with annual revenues exceeding $1 billion, and revenue growth of 1,400% in just 10 years. Why is Jane different? We are a global company that built our business on results, trust, constant innovation, and total integration. We are financially strong, enjoying steady, sustainable growth. We believe that you need to leave the world a better place than you found it. We believe in sustainability. We invest heavily in our people, our partners, and critically, our farmers. Food and energy security is tied to water security. But with today's technology, no one should ever go hungry. And every farmer, no matter how small or large, can produce more crop per drop. There is no need to fight wars over water, because if used wisely, we can make it last. Water is life, and at Jane, we are dedicated to improving life everywhere for everyone, now and in the future.